गुड मॉर्निंग क्लास सर। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था नेम्स इन अवर लाइफ, कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज इसको फिर से क्लियर करते हैं। जैसे कि आप हमने कई तरह के नेम्स अपने आसपास देखे होंगे। यू हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर लीव्स। कई सारे प्लांट्स देखे होंगे, उनकी पत्तियाँ भी अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। तो आज कल हम लोग ने उसकी साइज को डिस्कस किया था। कुछ लीव्स जो होती हैं बिग लीव्स होती हैं, जैसे कि बनाना और डेट प्लम की, इनकी लीव जो होती है लंबी होती है। स्मॉल लीव्स में आप पता मिंट और मेथी, मेथी की पत्ती और मिंट मतलब पुदीने की पत्ती जो होती है वो छोटे साइज में होती है। सेब, अब उसके आकार को देखते हैं। एस प्लांट लीव्स ऑफ डिफरेंट साइज थे ऑल्सो लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप। जो प्लांट्स होते हैं, कई तरह के प्लांट्स होते हैं, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनके शेप्स भी डिफरेंट साइज के होते हैं। जैसे लॉन्ग लीव आपका उसकी मिडल शेप लीव, पीन की आपकी अलग मतलब देवदार का जो पत्ता होता है उसकी जो होती है साइज वो दूसरे तरह होती है। और फिर राउंड लीव आपका लोटस, वो गोल सर्कल भी होता है आपका। ओवल लीव होती है गुआवा लीफ, आपने देखा वो ओवल शेप भी होती है। ट्रायंगल लीफ आपका क्या होता है, पीपल का, पीपल का पत्ता जो होता है आपका ट्रायंगल लीफ में होता है। फिर हमने कल देखा था साइज विद स्टाइल, डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट साइज बट सम प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड स्टाइल। कुछ पत्तियाँ जो होती हैं डिफरेंट साइज की होती हैं और सम प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड स्टाइल। उनकी साइज और स्टाइल भी जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कुछ बहुत स्मूथ होती हैं, जैसे कि बनाना बानिया की आपने मतलब बरगद के पत्ते, वे आपके और शाह लाइक मतलब रोज के जो गुलाब की पत्तियाँ होती हैं आपने देखा होगा साइड से ऐसे उठी हुई होती हैं। रोज की पत्तियाँ जो आप होती हैं ऐसे साइज से उभरी हुई होती है, उनका साइज अलग होता है और ये बहुत उभरी होती हैं, रफ होती हैं। और फिर टेक्सचर का आपका डिफरेंट लीव्स है डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट तरह की लीव पत्तियाँ होती हैं उनके टेक्सचर भी अलग होते हैं। व्हेन यू टच देम यू कैन फील द डिफरेंस, जब पत्तियों को आप टच करते हैं तब आप उनकी डिफरेंस को फील कर पाते हैं, यानी समझ पाते हैं कि उनमें क्या अंतर है। सम लीव्स आर वेरी सॉफ्ट सम वेरी हार्ड, कुछ पत्तियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं बहुत मुलायम होती हैं, कुछ बहुत हार्ड एंड मजबूरी होती हैं रफ होती हैं। और फिर इनका कलर देखते हैं, टू लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एनदर इन साइज शेप स्टाइल एंड टेक्सचर, दे आल्सो हैव डिफरेंट कलर। हमने इनके साइज स्टाइल शेप और टेक्सचर के बारे में जाना, अब इसके कलर के बारे में जानते हैं। कुछ पत्तियाँ जो होती हैं लाइट ग्रीन होती हैं, जैसे कि आपकी तुलसी की होगी, डार्क ग्रीन आपकी रोज की होती हैं, येलो एंड ग्रीन क्रोटन की होती है, रेड जो है आपका मैपल का होता है। ये पत्तियाँ आप देख रहे होंगे ये सारी लाइट ग्रीन आपकी तुलसी, डार्क ग्रीन रोज, येलो एंड ग्रीन क्रोटन, रेड मैपल की पत्तियाँ ये आप देख रहे हैं, इनकी कलर भी ऐसे ही होते हैं। स्मेल, सबसे बड़ी चीज दूसरी चीज़ ये है आपकी कि आप किसी भी पत्ती को उसके स्मेल से आराम से पहचानते हैं कि ये किस चीज की पत्ती है। जैसे इफ पार्ट द फ्रॉम डिफरेंट इन लेयर लीव्स द प्लांट्स आल्सो हैव डिफरेंट स्मेल, सभी प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती हैं उनकी स्मेल जो होती है डिफरेंट होती है। सम प्लांट्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल एंड सम वेरी लाइट, कुछ प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती हैं उनकी जो स्मेल है बहुत स्ट्रांग होती है और कुछ की बहुत लाइट यानी हल्की स्मेल होती है। जैसे कोई एंडर आपकी धनिया पत्ती, धनिया की आपने पत्ती की स्मेल देखी होगी, आप उसको स्मेल से आराम से जज कर सकते हो कि ये किस चीज़ की पत्ती है। नीम लीव्स आपकी आप उसको देखो
कि मिंट मिंट की भी स्मेल होती है बहुत लाइट होती है. When we see leaves, we find so many lines on them. These lines are very small tubes which are called venules. These venules carry food and water to the different parts of plants. अब आइए देखते हैं इनका कलर ग्रीन कैसे होता है, उसपे हम देखते हैं. Why are most of the leaves green in color? पत्तियों का कलर स्टार्ट. When why are most of leaves green in color? अधिकतर पत्तियों का कलर ग्रीन क्यों होता है? जैसा कि आपको पता है पत्तियों का कलर क्लोरोफिल की वजह से हमारी ग्रीन होती है. जो पत्तियां लाल होती हैं उनमें क्लोरोफिल की मात्रा कम पाई जाती है जिनकी वजह से उनका कलर रेड हो जाता है. रेड येलो या ऑरेंज कलर में जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी उसका कलर इन कलर में है, और जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होगी वो पत्तियाँ आपकी ग्रीन रहेंगी. मेकिंग ऑफ फूड फॉर द प्लांट्स. क्लोरोफिलिया का जो रोल होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. वो सन से एनर्जी लेकर सूर्य से एनर्जी लेकर अपने प्लांट्स के लिए फूड बनाता है. दिस फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोजेनेसिस. इस फूड मेकिंग जो पत्तियाँ करती हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पत्तियां पौधों के लिए अपने भोजन बनाती है. द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इज वेरी हाई ड्यूरिंग द समर सीजन एंड लो ड्यूरिंग द विंटर सीजन. जो क्लोरोफिलिया का ड्यूरेशन होता है गर्मी में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मी में धूप आपको बहुत ज़्यादा होती, सूर्य बहुत निकलते हैं, तो इसलिए गर्मी की वजह से उसका क्लोरोफिलिया का लेवल हाई होता है. और ठंड किस विंटर सीजन में धूप की कमी के कारण नहीं निकलते हैं, जिनकी वजह से क्लोरोफिलिया का लेवल बहुत लो रहता है. वी आल्सो यूज द लीव फॉर मेनी अदर पर्पस. हम लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर दे. हम पत्तियों को कई अलग तरह से यूज करते हैं, चलिए आज हम उसके बारे में देखते हैं. वी यूज द रेयर लीव्स ऑफ द टी प्लांट्स टू मेक टी. जो रेड लीव्स होते हैं उन टी प्लांट्स के उनका हम यूज़ किस लिए करते हैं? टी बनाने के, चाय बनाने के. वी ईट द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैबेज स्पेंस मेथी एक्सेट्रा. कुछ पत्तियों में ऐसी प्लांट्स की पत्तियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम खाने में यूज़ करते हैं, जैसे आपका कैबेज हो गया, स्पेंस हो गया, मेथी हो गया. मतलब कैबेज आपका पत्तेदार गोभी, स्पिंस आपकी पालक, मेथी आपको पता है मेथी की पत्तियाँ जो आती हैं, एक्सेट्रा. जो भी आप पत्ती वाली हरी पत्तेदार सब्जियाँ यूज करते हैं वो सारी हम लोग खाने के यूज में लाते हैं. फिर हमारा वी यूज कसूरी मेथी तेज पत्ता एक्सेट्रा टू मेक अवर फूड मोर डिलीशियस. हम अपने फूड को और डिलीशियस बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? तेज पत्ता और हरी मेथी. वी यूज लीव्स लाइक बनाना एज ट्रेड ईट ऑन. साउथ में आपने अधिकतर देखा होगा कि जो बनाना की पत्तियाँ होती हैं यानी केले की पत्तियों को प्लेट्स की तरह यूज़ किया जाता है. कोई भी फंक्शन हो गया साउथ इंडियंस के यहाँ तो वो केले के पत्ते पे आपको खाना सर्व करते हैं, प्लेट की तरह यूज़ करते हैं. वी यूज नीम तुलसी एक्सेट्रा टू मेक मेडिसिन. जो तुलसी और नीम एक्सेट्रा पत्तियाँ हैं उनको हम मेडिसिन बनाने के काम में लाते हैं. वी यूज द लीव्स ऑफ हीना टू कलर अवर प्लम्स. हीना मतलब आप मेहंदी जानते हैं, मेहंदी हम किस यूज में लाते हैं? अपने हाथों पे कलर लगाते हैं उसका कलर आता है रेड, उस यूज में लाते हैं. वी यूज लीव्स लाइक कोकोनट एक्सेट्रा टू मेक रूफ्स एंड वॉल. जो कोकोनट की लीव्स होती हैं आपने देखा होगा उनकी लीव्स में बहुत ऐसी ऐसी टाइपिंग होती है जिनका यूज रूप बनाने में और वॉल बनाने यानी दीवार बनाने के काम में किया जाता है. वी यूज डिफरेंट लीव्स टू मेक डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट आइटम लाइक बैग मटेरियल एक्सेट्रा. कई तरह की लीव्स ऐसे
क्राफ्ट आइटम बनाने के लिए यूज करते हैं, हाथों से बने सामान बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे बैग हो गया आपका, चटाई हो गया, ये सारी चीजें हैंडक्राफ्ट में आती हैं। वी यूज द लीव्स ऑफ मैंगो ट्रीज टू डेकोरेट अवर हाउस। मैंगो ट्रीज से हम अपने यहाँ कुछ फेस्टिवल पड़ता है तो अपने डोर पे मेन गेट पे डेकोरेट करने के काम में आते हैं। ऑल थ्रू लीव्स हैव मैनी यूजेस बट ड्यूरिंग द विंटर सीजन ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ द सनलाइट द लीव्स कैन नॉट लीव गेट सफिशेंट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल विच रिजल्ट द टू टर्न लीव्स येलो। जैसा कि आपको भी बताया गया था विंटर सीजन में क्लोरोफिल की मात्रा कम होने के कारण, सनलाइट ना मिलने के कारण क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से पत्तियों का कलर येलो हो जाता है। और लेटर दिस लीव्स डाई एंड विंटर ड्यू टू लैक ऑफ फूड। और आपको पता है कि वो सूर्य की एनर्जी से ही अपना भोजन बनाती हैं, उसकी वजह से पत्तियाँ येलो हो जाती हैं, डेथ हो जाती हैं और विंटर सीजन में गिर जाती हैं। फिर है आपका इन एक्टम सम पीपुल कलेक्ट द बर्ड दिस डेथ लीव्स। पतझड़ के मौसम में कुछ लोग जो होते हैं वो पत्तियों को इकट्ठा करते हैं और उसको मुरझाई हुई पत्तियों को इकट्ठा करते हैं और उसको जला देते हैं। बाय बर्निंग दे पल्यूट द एयर। लेकिन जब वो जलाते हैं तो उनसे जो धुआं उठता है उसकी वजह से हमारा एयर पोल्यूशन होता है। इंसेक्ट्स ऑफ बर्निंग दे शुड कलेक्ट द लीव्स इन अ बिग पेट एंड स्प्रिंकल वाटर ऑन द लीव्स एंड कवर द पेट फॉर ए फ्यू डेज। तो हमें उसको जला के एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। उन झड़ी हुई पत्तियों को एक गड्ढा बना के उसमें डाल, बहुत बड़ा गड्ढा बना के उसमें हमें बिग पिट बनाकर, मतलब बड़ा गड्ढा बनाकर उसमें डालना चाहिए। फिर उसके बाद पानी के कुछ छींटे उस पर डाल, स्प्रिंकल मतलब छींटे डालना, वाटर ऑन द लीव्स, उन पत्तियों पर पानी के छींटे डालना चाहिए। फिर उनको एक गड्ढे को, उस बड़े से गड्ढे को कवर कर देना चाहिए कुछ दिनों के लिए। दीज लीव्स विल रूट एंड फॉर्म प्रिजर्व। ये फिर जो पत्तियां हैं वो सड़ना स्टार्ट करेंगी जो कि बाद में हमारे खाद बन जाएंगी। दिस प्रिजर्व इज कॉल्ड कंपोस्ट। फिर वो एक खाद के रूप में चेंज हो जाएंगी। दिस विच कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। फिर उन खाद को हम प्लांट्स में डाल के प्लांट्स की ग्रोइंग करने में यानी बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन ऑल्सो हेल्प टू सेव अवर एनवायरमेंट। और ऐसा करके हम अपने एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप हमने बताया कि एयर पोल्यूशन होता है पत्तियों को जलाने से, उसको एक गड्ढे में एक जगह कलेक्ट करके रखेंगे और वो सड़ के जब खाद बनेगा तो वो आपके प्लांट्स में डालने के काम आएगा, जिससे आपके प्लांट्स जो है ग्रो करेगा। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज आपको ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। एक बार फिर आप ये सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें देख लेंगे, बाकी आगे कल बताएंगे। थैंक यू।